इंजेक्शन लगने के बाद बच्ची की मौत, परिजनों क्लिनिक पर काटा हंगामा। मृतका को लेकर दादी रोती विलखती पहुंची थाने। बच्ची के मौत के बाद क्लिनिक पर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई। तीमारदारों ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामला कस्बा फतेहाबाद के डॉक्टर मुकेश बघेल के क्लिनिक पर। रामवती पत्नी रामपाल निवासी पथवारी मोहल्ला कस्बा फतेहाबाद अपनी पोत्री को लेकर छोटे बेटे के साथ गई थी। तभी डॉक्टर मुकेश बघेल के द्वारा देखने के बाद पर्चा लिखा जिस पर बच्ची के इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद दादी बच्ची को घर ले जाने लगी तो रास्ते में मौत हो गई। जानकारी पर परिजन हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा करने लगे और देखते ही देखते दोनों रोड जाम हो गए और आसपास अफरा तफरी मच गई। तभी परिजनों ने बच्ची की खून की रिपोर्ट मांगी तो डॉक्टर के सहायकों ने क्लिनिक का दरवाजा बंद कर लिया। दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी और क्लिनिक के गेट पर लगा शीशा टूट गया। तभी पीड़िता रामवती रोती हुई थाने पहुंची कि मेरी नातिन को मार दिया गया है और मेरे बेटे के साथ डॉक्टर के लोग मारपीट कर रहे हैं, मेरे बेटों को डॉक्टर के लोगों से बचा लो। तभी पुलिस तुरंत मौके पहुंची और मृतका के चाचा को निकालकर थाने भेजा गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर मुकेश बघेल व अन्य स्टाफ को थाने ले आए। वहीं मृतका के ताऊ प्रवीण ने आरोप लगाया कि डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से हमारी बेटी की मौत हो गई। वहीं माँ व दादी का रो रो कर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद आलोक कुमार से बात करने पर बताया कि मृतका के पिता अजय के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरी बेटी जन्म के बाद से ही बीमार थी, जिसका इलाज चल रहा था। 3-4 दिन से डॉक्टर मुकेश बघेल को दिखाया था, जिसके दौरान मौत हो गई। हमारे द्वारा हॉस्पिटल पर हंगामा किया गया था, पुलिस मौके पर पहुंच गई, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसी पर डॉक्टर मुकेश बघेल से बात करने पर बताया कि बच्ची का इलाज जयपुर चला है। आज मेरे पास लाए थे, बच्ची को हिमरेसिक ल्यूको इंसेफेलोपैथी बीमारी से ग्रसित थी, जिसमें दौरे जैसे पत्ते हैं, बुखार की दवा व इंजेक्शन दिया था। बच्ची सकुशल घर ले गए हैं, रास्ते में क्या हुआ जानकारी नहीं है। तीमारदारों के द्वारा क्लिनिक पर तोड़फोड़ की है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? इंजेक्शन लगाया, बच्ची खत्म हो गई। किल्ले इंजेक्शन लगाया था। क्या नाम है? डॉक्टर साहब की लापरवाही है इसमें। अच्छा, कितनी बड़ी बच्ची थी? 7 महीने की लड़की है, जिसमें रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है, नॉर्मल है सारी चीजें। इंजेक्शन लगाने के बाद में बच्ची खत्म हो गई। रात में कौन से गांव की है? क्या हुआ बच्ची को? बच्ची को क्या हुआ आपकी को? मुकेश बघेल, डॉक्टर की लापरवाही है। अच्छी वाली है, लेके आई वाला घंटे दिखाए लाई। अच्छा, कितनी देर बाद खत्म होगी? 2 मिनट लगी, बस लगा दो। क्या घटना? कहाँ के निवासी हो? मोहल्ला फतवारी कटी खाना। क्या घटना हुई आपकी? लड़की आई थी यहाँ पे, अच्छी वाली रो रही थी, इसलिए दवाई दिलवाने आए थे। कहाँ पर? मुकेश बघेल के यहाँ पे। फिर क्या हुआ? उन्होंने मतलब पहले कही इसकी जांच करवा के लाओ, तो जांच कराई थी और जांच कराओ, उसमें कोई कमी नहीं निकली है। उसके बाद में इन्होंने दवाई दी है, उसमें डबल डोज लगा दी है लड़की के, 2-3 इंजेक्शन लगाए हैं, और लड़की 15 मिनट बाद खत्म हो गई है। उनसे गई थी इसको घर ले आओ जल्दी सी ने। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? डॉक्टर की। अच्छी वाली रहती है, डॉक्टर साहब ने खिलाई भी है लड़की। फिर क्या हुआ वहाँ आपके साथ? क्या हुआ फिर वहाँ? फिर मारपीट किया, मतलब यही उधम दंगा। किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है? जो मार रह रहे हैं वो लोग, और होंगे उनके जो भी हों। डॉक्टर साहब के लोगों ने मारपीट की है? और क्या। अभी आप कहाँ हैं? अभी इस समय पर थाने में आए हुए हैं। शिकायत दे रहे हैं, रिपोर्ट कराई है उनके खिलाफ। बताइए। मैं डॉक्टर मुकेश बघेल, MBBS DCS पीडियाट्रिशियन हूँ, जो कि फतेहाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। फतेहाबाद में मेरा क्लिनिक है। तो आज हमने एक बच्ची को देखा था, जिसको हमने 3 दिन पहले भी देखा था, जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसका जयपुर में इलाज चल रहा था। पहले 1-1.5 महीने भर्ती रख के आई थी। बच्ची की उम्र अभी 7 महीने के करीब है, तो उसको हेमरेजिक लीको एन्सेफेलोपैथी नाम की बीमारी डायग्नोस हुई थी उस समय उसको, और बीच बीच में दौरे पड़ते थे बच्ची को। तो आज हमारे पास में लेके आए थे, बुखार भी था तेज़, बच्ची को बुखार था और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर उसकी कुछ जाँचें कराई गई, तो वो पुरानी बीमारी, ब्रेन की बीमारी तो ज़्यादा गंभीर थी, और बुखार के लिए जाँच कराई गई। उसके बाद उनके कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए गए, उनको लेके लगवा के घर वाले बच्चे को अपने घर लेके चले गए। घर ले जाने के बाद में 1.5 घंटे के बाद में वो आते हैं कि ये हमारी बच्ची को क्या होगा।
उस समय जब वो लेके आए तो बच्ची नीली पड़ी हुई थी और एक्सपायर्ड थी। डॉक्टर बर्जनों का आरोप है कि डॉक्टर साहब की लापरवाही के चलते ये हादसा। इसमें लापरवाही कहाँ से मान लीजिए, वो पूरा प्रॉपर तरीके से इलाज हुआ। वो बच्चे को पहले भी मेरे पास इलाज कराने लाए हुए हैं और कई बार मैंने इलाज किया, सही करके भेजा। उससे पहले भी जयपुर जब भेजी थी वो मैंने ही बोल के भेजा था कि इसको बीमारी गंभीर है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने जाके जैसे डायग्नोसिस बने। तो इस सब तरह की चीज़ें मुझे तो नहीं लगता कि इंजेक्शन से ऐसा कुछ होता। घर जाने के बाद में लौट के आए, एक घंटे बाद में लौट के आए, तो ऐसा जो आप आरोप लगे उनके बारे में आप कहते हैं? वो आरोप तो पता नहीं क्यों लग जाते हैं। ऐसा इंजेक्शन आज तक मैंने नहीं देखा कि जिससे खत्म हो जाए कोई, वो भी एक घंटे बाद में। जिस बच्चे को दौरे पड़ते थे तो कुछ नहीं हो सकता, यदि दौरे पड़ रहे हैं 7 महीने की बच्ची है, एस्पिरेट भी कर सकती है और कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं बच्चों को। ऑलरेडी ब्रेन में हेमरेज हो रखा था उसको पहले से, इस चीज़ पे ये तो गलत है किसी को भी बदनाम करने की बात।